तो भाई साहब इसकी जो आज की कविता है, पहले तो नाम कुछ और रख रहा था, मैंने लिख रहा था कि महबूबा वर्सेस बीवी में यार की झगड़ा हो जा रहा है, तो मैंने इसका नाम रखा इश्क वर्सेस सब्जी भाजी। वाह। तो मेन इसके पीछे जो थॉट प्रोसेस है, और जो आपने सुना होगा कि कहावत की नाकामयाब मोहब्बत जो होती है वो जो है हिस्ट्री बनती है। जो आपने जितने भी लैला मजनू सीरी फरियाद फरास जितने भी सुने होंगे ना हिस्ट्री में, सारे के सारे नाकामयाब मोहब्बत थी। लेकिन जो कामयाब मोहब्बत होती है उसका क्या होता है? कामयाब मोहब्बत जो होती है वो सब्जी भाजी करी। तो भाई उसी के ऊपर एक कविता है कि देखिए, अब ये तो कविता का लाइन आपकी लाइन से चालू हुआ था, आपने कल लाइन जो भेजी थी कि हवा 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 भी हवा हवा ही हो गई, ठीक है, तो वहीं से चालू करी थी कि देखिए क्या गजब आलम है हवा भी हवाई हो गई, देखिए क्या गजब आलम है हवा भी हवाई हो गई, और कल तक जो प्रियतमा थी अब वो लुगाई हो गई। कल तक जो प्रियतमा थी अब वो लुगाई हो गई, और ख्वाबों की दुनिया से निकल जिंदगी सब्जी भाजी पे आ गई, और पहले बाबू सोना से अजी सुनते हो भरे हो क्या इसके बाद आ गई, ठीक है, और बाबू ने खाना खाया अपना ख्याल रखा करो से बात यू टर्न ले करके खाना रख दिया है खा लेना टाइम पे खाना रखा है खा लेना टाइम पे बात आ गई, और दिमाग एकदम से चकरा गया है यारों, लगता है मोहब्बत किसी और से की और कोई और घर आई है और पहले कई चांदनी रातें आंखों आंखों में काटी थी उसके संग, ठीक है, वही अब 10 बजते ही बत्ती बुझा गई कहते हैं तुमको तो कोई काम नहीं, मुझे तो सुबह उठना है, मेरे अरमानों के बढ़ते पिंग वो एक झटके में बुझा गई। रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में जान आफत में थी फंसी, ऊपर से उसके अतरंगे डिमांड से दिमाग एकदम चकरा गया। अब सोचते हैं कि महबूब महबूब ही खेलते रहते तो अच्छा होता कौन से मनुष्य घड़ी में दिमाग में ब्याह का आइडिया गई और घर वालों और बीवी के बीच फुटबॉल बन के रह गया हूँ यारों घर में जबरदस्त गोलकीपर आ गई और जब भी उसके पास जाता हूँ पकड़ के वापस उछाल देती है क्या मजाल की किसी की कि वो क्या मजाल कभी की वो गोल खा गई अपने घर में ही डरा डरा डूबका रहता हूँ सामत आ जाती है जब गलती से होठों पे हंसी आ गई और घर में कैदियों जैसी हालत हो गई है दोस्तों मंडप में दुल्हन आई थी पर लगता है सात फेरे जेलर ले गई पुराने दिनों के सपने भी उसकी इजाजत से लेना पड़ता है कई बार तो सपने में भी आके मुझको धमका गई आखिरी दो लाइनें दोस्तों कि सच ही कहा है इश्क हकीकत के धरातल पे फुस हो जाता है झेल इतना लिया कि अब अच्छे से अकल आ गई। बहुत बढ़िया।